लुच्चा, लफंगा, बदमाश, लीचर, गिरा हुआ घिनौना। बस 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 इलायची जी, क्या हो गया आप? अब इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी गालियाँ क्यों निकाल रही हैं हमें? अरे आपको नहीं निकाल रही गालियाँ जी, आप तो बड़ी क्यूट शरीफ से यार। मतलब, अरे यार क्या बताऊँ, वो एक बदमाश सा आदमी है। हाँ? उसने सोनू को छेड़ दिया। क्या, कौन है वो आदमी, आप बताइए, हम अभी उस। हाँ, प्लीज जाइए जीजा जी, वो तो वेट कर रहा होगा ना कि पंचम जी आएंगे मेरा मुंह तोड़ने के लिए। अच्छा, वो मुंह तोड़ देंगे, उसके बाद अपने बाकी के काम करूंगा। भाग गया होगा वो। नहीं इलायची जी, ये बात तो आपकी सही है। पता है मजे की बात क्या होती है इलायची जी, अगर सुनीता जी को मार्शल आर्ट्स वगैरह आता, एक तो वो उस आदमी की धुलाई करती, दूसरा अपनी भड़ास निकालती, ऊपर से उन्हें कभी और कोई छेड़ने से पहले ना एम्बुलेंस जरूर कॉल कर लेता। बस सही कह रहे हो यार आप जीजा जी, मतलब सेल्फ डिफेंस तो हर लड़की को आना ही चाहिए। अरे यार कल जाके मुझे कोई छेड़े तो? अरे इलायची जी, आपकी बात नहीं है, आपकी कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, उसके लिए हम हैं। सच्चे? मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड? हैं जी, हम नहीं नहीं हम, हम हमारा मतलब ये है कि वो आप हमारे सेठ जी की बेटी है ना, तो हमारा फर्ज बनता है आपकी रक्षा करने का। जैसे चैकी चैन तो आपके ये है ना मौसा जी। इलायची जी सच्ची माँ कसम, हमने क्या है ना थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, तो ठीक ठाक कर लेते हैं हम। रियली जीजा जी? हाँ। यार ये तो बिल्कुल मेरे काम की बात है। फिर एक काम कीजिए, आप ना मुझे सिखा दीजिए और चांदनी चौक की बाकी लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दे दूंगी सीख के, ठीक है? नहीं इलायची जी, वो बात ठीक है, पर आप इस प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों बना रही है? हम सीधा उन्हें सिखा देंगे ना, जितने भी चांदनी चौक की लड़की, हम सीधा सिखा देंगे। जीजा जी जी, ज्यादा राल नहीं टपक रही है आपकी लड़कियों के नाम से, ज्यादा कंट्रोल में रहिए, वरना मैं बता रही हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगी आपको। क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी बोल रही हैं आप इलायची जी। हम लड़कियों का ही फायदे की बात कर रहे हैं। अरे उसमें तो लेकिन मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है ना, मैं रिस्क क्यों लूं? ऐसा नहीं लूंगी रिस्क, आप मुझे सिखाइएगा, ठीक है? आज से आप मेरे इंस्ट्रक्टर, आप मुझे सिखाएंगे और अच्छा है ना, आपके लिए भी, आपकी भी कमाई हो जाएगी। और ये लीजिए शगुन के 100 रुपए मेरी तरफ से। नहीं ऐसी जी, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ। नहीं जीजा जी, हाँ कुछ ज्यादा बोलो ना, तो मैं बता रही हूँ, मुझे भी ना कराटे वराटे आते हैं, मैं आपके ऊपर कर दूंगी कराटे। जीजाजी छत पर है? नहीं इलायची जी, जीजाजी छत पर नहीं है, वो जापान में गए हैं कराटे की ट्रेनिंग लेने, जब वहां से वापस आएंगे, लौटेंगे, आपको आके सिखा देंगे। हाँ जीजाजी, मतलब रात को भी आपके ये जो तानों का तानपुर है वो बंद नहीं हुआ है ना? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी सोच सोच के आपके साथ दो दो हाथ करने मुझे। जी जी, आप मुझे लड़ाई करना सिखाएंगे ना? मैं रेडी हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो क्या ना इलायची जी, आप तो पैदाइशी लड़ाकू विमान है, आपको लड़ाई सिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आत्मरक्षा सिखानी है। हाँ ठीक है, इतने गप्पे मत मारिए, बहुत गप्पे मारते हैं, जल्दी सिखाइए। इलायची जी ये कोई आप 2 मिनट में बनने वाले नूडल नहीं बना रही है जो हम आपको जल्दी से सिखा दें, इसके लिए आपको सब्र रखना होगा, हमारी तरफ देखना होगा, ध्यान देना होगा, फोकस बढ़ाना होगा, आप सिर्फ हमारी तरफ ध्यान दीजिए इस समय। तो मैं कब से दे रही हूँ जीजा जी? हैं जी, मतलब ध्यान दूंगी आपके मूव्स पे, अच्छे से सीखूंगी मैं, ध्यान से सिखाइए जी इलायची जी। अच्छा सबसे पहले हम आपको मारना सिखाएंगे लात, ठीक है? तो आपको ऐसे स्टांस लेना है और एक लात मारना सीखना है, ठीक है? लेकिन उससे भी पहले आपको ये बोलना है कि मैं ताकतवर हूँ। वो तो मैं हूँ, ये भी बोल दो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इलायची जी आप सिर्फ जो हम बोल रहे हैं ना वो बोलिए, मैं ताकतवर हूँ। क्यों, खूबसूरत नहीं हो क्या? आप हैं खूबसूरत, हैं थोड़ी बहुत आप... बस थोड़ी बहुत। देखिए इलायची जी, आप हमसे आत्मरक्षा सीखने आई हैं या हम पे प्रहार करने? ठीक है सीख लेती हूँ। हाँ इलायची जी कहाँ हैं आप, आपका ध्यान कहाँ है? लात मारना सीखिए ना हमसे, हम आपको क्या सिखा रहे हैं? ये देखिए, ये लिया पुश करना है आपको, अपनी लात को पुश करना है जोर से, ठीक है? ये लिया, या हाँ, थोड़ा अंदर से गुस्सा लाइए,
हाँ बढ़िया, इस मामले में तो तेज है आप इलायची जी वैसे। तो हर मामले में तेज हो, बस आप ही कुछ मामले में डब्बू है एकदम। हैं जी? जाने दीजिए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं चीचा जी आपकी। अरे वाह छोटे वाह, ऐसे मजा आ रहा है सीढ़ी, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे बैठो टिक के। अच्छा सुन, हाँ यार ये जो मुन्ना है ना, इसने बहुत आतंक बचा रखा है, आज फिर एक लड़की छोड़ दी इसने। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी? क्या कह रहे हैं? जब तुम ऐसी बातें बताते हो ना, मेरे दिल से बस एक आवाज आती है कि ऐसे लोगों को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जूते पड़ने चाहिए, बस तभी अकल ठिकाने आएगी। नहीं सही कह रहे हैं, आजकल के लड़कों को जाने कैसी अनोखी दीवानगी शुरू हो गई है, क्या छछोरापन शुरू हुआ, लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना एकदम शुरू कर देते हैं ये। अरे असल बचा रखी है लोगों ने। सही कह रहे हो सेठ जी, लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी करियो, ऐसे लड़कों के चक्कर में ना कभी कभी शरीफ आदमी पिस जाता है। हाँ। अभी पता कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मैं अपनी दुकान पे कस्टमर आया था। हाँ। बढ़िया दाढ़ी बाल बना रहा था कि एक लड़की जा रही थी सब्जी लेके। हाँ। अचानक उसके टमाटर गिर गए। हाँ। मैंने सोचा चलो ठीक है हेल्प कर दूं। हाँ। दो चार टमाटर उठा के उसके थैले में रखे। हाँ। वो पता क्या बोली? क्या बोली? कहने लगी आज टमाटर रख रहा है। हाँ। कल कहेगा घर तक छोड़ दे। गंदी गंदी बुरी बुरी गाली दी मुझे सेठ जी। हाँ। मैं डर गया, मतलब अभी तक कान में तेल डाल के आया हूँ, मतलब गूंज रही है वो गालियाँ। वैसे एक बात बताऊँ तुझे छोटे, लड़की की कोई गलती है ना वैसे इसमें? क्यों? तू शक्ल से उतना शरीफ ना लगता है। मैं शरीफ ना लगता हूँ? एक सेकंड रुको, मैं शरीफ ना लगता हूँ? मैंने कौन सी सेठ जी चांदनी भाभी को छेड़ दिया? सुन बहुत बोल रहा है तू, मैं बता रहा हूँ तू बहुत बोल रहा है। यार मैं जा रहा हूँ अभी। अरे चांदनी भाभी भगा के ले जाके मैं। चुप रहा बात। और इलायची कैसी है? अबे छोटे क्या कर रहे? अरे आओ आओ मौसा, बताओ मौसा ऐसे कितने सलून खुल जाएंगे मेरे, क्या भविष्य है मेरा। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर तुझे अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक लड़की को छेड़ना होगा और उससे मार खानी होगी। जी कैसी घटिया बातें कर रहे हो, तरक्की ऐसी तरक्की ना चाहिए मौसा, लड़की को छेड़ दो ये कर दो, मैं पहले ही बदनाम हूं इतना। अबे मैं नहीं कह रहा, ये तेरी कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है कि तू जिस लड़की को छेड़ेगा और जब वो तेरे गाल पे पहला चाटा मारेगी तेरे भाग खुल जाएंगे बेटा, जिंदगी सवर जाएगी, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ मौसा एक बात बताऊं, ऐसे ना भाग खोलने मुझे ना तरक्की करनी, मैं छेड़ा छाड़ी के काम बिल्कुल ना कर पाऊंगा, फालतू की बातें ना करो। तो ठीक है बेटा दौड़ के जा और मार्केट से ताला लेके आ जा, समझा? अपनी जबान है ना जो, इससे ताला खुद अपने मुंह में लगा लो, मैं बाहर से ताला खरीद के तो मैं मुंह में लगाऊंगा, अच्छा ना लगेगा मौसा। अबे मेरे मुंह में ताला लगाने की छोड़, तेरी दुकान में ताला लग जाएगा अगर जो तू लड़की को नहीं छेड़ेगा और उससे मार नहीं खाएगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। छेड़ना पड़ेगा, आगे भी तो खुल जाएगा तेरा। जैसे कि आप जानते हैं कि चांदनी चौक के कुछ अबारक कुत्ते कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं आजकल, बल्कि कई बार तो काटने की भी कोशिश की उन्होंने। तो बस अब वक्त आ गया है कि उन्हें हम उनकी औकात दिखा दें। ओए कुड़ियो यार चलो तालियां बजाओ। इलो रिवेंज वाली सेल्फी। ध्यान से सुनिए, तो आज मैं कुछ आत्मरक्षा के गुण सीख कर आई हूँ जो मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ, और इसमें हमारा साथ देंगे पंचम जीजा जी। धन्यवाद स्त्रियों, धन्यवाद। तो आज ये जी गुंडा बनकर मुझे छेड़ेंगे, मतलब गुंडे को रोल प्ले करेंगे जी। जीजा जी का बहुत बड़ा बड़प्पन और अच्छाई है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, तालियां। अरे इलू अगर मुंडा इन्ना सोना होएगा ते पीटे दबन किसदा करेगा। अबे ओ टीना पराए माल पे हाथ साफ करने की तूने सोची भी ना, तुझे यहाँ पे धो दूंगी जी। जी देखिए मेरा मतलब है फ्रेंड्स
के जीजा जी शादीशुदा हैं और सिर्फ हमारी हेल्प करना है। हाँ, तो ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है? जो करना है वही करेंगे, ओके? ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। तो जीजा जी ना, आप उधर से आना, ठीक है? दूर से आओ थोड़ा। और जीजा जी ना गुंडा बन के आएंगे मुझे छेड़ने के लिए, मैं यहाँ बस स्टॉप पे ना बस का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे छोरी, कित जान लाग रहे से आड़िया मैं तने मोरे आड़ा बागा ले चलू। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जीजा जी, आप ठीक है ना? लगी तो नहीं? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। हमें क्या होना है? हम तो गांव में रोज का काम था हमारा ऐसे लोगों को पटकना। नेक्स्ट होने, चल अंजू तू आ जा। सेम स्टेप करके दिखाइयो। जी प्रणाम अंजू जी, हम जी, आते हैं। रेडी जी। हाँ भी कितने चलनी है गोभी का फूल बन के गुलाबो। बचाओ बचाओ। अनुमा सॉरी जीजाजी। अनुमा जीजाजी, लगी तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फिर अच्छा है। मंजू आ जा। जीजी, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? मैं तेरे बगैर कहाँ रहूँगा? जीजी ऐसा मत कर, बता दे क्या हो गया? चटंकी भैया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। चटंकी भैया, ऐसे घुट घुट के जी के क्या करूँगी? चटंकी भैया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जीजी, हाँ। जीजा को बता क्या हुआ, क्या हुआ बताना। जीजा को बताना, बता बताना बता। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेरे भाई का घर बस जाए, घर में भाभी आ जाए। लेकिन किसी से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है? बता दे दे क्या हो गया, क्या कहना चाह रही है? तू साफ साफ बोल ही नहीं रही है, बोल तो साफ साफ। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ चटंकी भैया कि कोई तुम्हारी शादी के लिए झूठ बोल दे, तो शायद मेरी जान बच जाए। जी की माँ, हाँ, जहर भी काला खट्टा के स्वाद में आने लगा है। ये काम करियो, अगली बार गुलकंद के स्वाद में लाइयो। इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे जान, अपनी जीजी का साइज देख, इतने से जहर में तो इसका एक हाथ भी सुनना होगा। ये बनाने चला है, बात कर रहा है बेकार की है। और सुन, मैं कोई दुकान उकान ना दूंगा, लगातार अपनी सड़ी सी जुगाड़, चल रख ले जाए। क्या कर रहा है यार? सिकाई कर रहा हूँ।
अबे यार इससे अच्छा था ना तू लड़कियों कम से कम छेड़ ही लेता। अरे यार कम से कम पिटने का कारण तो मिल जाता। अबे यार क्या बोलूं मैं, हमारे सिखाए दाव पेच हम पे ही फेल दिए। अरे तो इलायची जी कोई अलादीन है क्या जो तू उनकी हर बात को क्या हुक्म मेरे आका बोल के करने बैठ जाता है। भाई जिन भी ना अपनी सेफ्टी के लिए चिराग में घुसा रहता है बाहर ना निकलता है, अब तू फालतू पचड़े में उनके घुस रहा है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार तू, ये पचड़ा हम सबका है, हमारे देश का है, हमें अपनी लड़कियों को मजबूत करना पड़ेगा भाई, ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर सकती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार से ना अपनी भी आत्मरक्षा कर लियो, दोबारा से टूट फूट गया तो मैं ना सिखाई करने वाला, बता रहा हूँ। जीजा जी छत पर है जी। इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय अपनी हड्डियां गिन रहे, वो भी आपके बदौलत। आप भी कमाल की हैं इलायची जी। जीजा जी मेरे सामने ना मेरी वो तारीफ ना क्या कीजिए, मुझे ना बड़ी शर्म सी आ जाती है फिर। इलायची जी आपको पता है कि हमें ना कभी कभी समझ में नहीं आता हु? कि आप हमारे ही लौकी काट कर हमें ही कोफ्ते खिलाती हैं, मतलब सोचने की बात यह है कि हम उफ तक नहीं करते। जीजा जी इसे ना जुगाड़ कहते हैं, और भले काम में लगे हुए जुगाड़ ना अच्छी बात होती है ना। ठीक करें इलायची जी, लेकिन क्या ना अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, जब इनकी कुटाई हो तो फिर रीढ़ गड्ढी छोड़ देना, नहीं हाँ। तो दुकान पे बैठ नहीं पाएंगे और सेठ जी लेटने के पैसे देंगे नहीं, है ना। अच्छी तरीके से जानते हो, डोंट वरी पंचम भाभी, जानती हो कि आप कितना प्रेम करती है अपने गोगू से। इलायची जी अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, हम पहले ही बहुत दर्द में, हमें आराम करना है, इस बिस्तर पे मुश्किल से दो लोग आते हैं। अरे तो मैं क्यों सा कह रही हूँ कि यहाँ पे हमें रस्सी कूदनी है। मैं भी तो आपके लिए कुछ लाई हूँ, ये देखिए ना मलम लाई हूँ, लगा दूंगी ना तो एक मिनट में छुमंदर हो जाएगा दर्द सच्ची। इलायची जी आप एक काम करिए, ये जो मलम है वो बुजी को दे दीजिए, वो हमें लगा देंगे। अरे मैं कद्दू ना लगाऊंगा यार, एक घंटे से तेरी पीड़ी सिखाई कर रहा हूँ, बात कर रहा बेकार। मैं कह रही थी अब इलायची जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें लगा लेने दो बाम, लगा लो। हाँ आप कह रहे तो फिर लगा ही देती हूँ ना, लगा देती हूँ। एक सेकेंड। बताओ किस्मत, लड़की दिख रही हैं आज, मैं छेड़ने बैठा हूँ लड़कियां तो एक लड़की नजर ना आ रही है, वैसे इस मोहल्ले में ततैयों की तरह भनभनाती रहती हैं, एक आ रही होती है एक जा रही होती है, दुपट्टे लहराते, आज ना दिख रही है एक भी। मैंने कहा मर गई यार। टीना जब से ये क्लास ली है ना तब से कोई बंदे ने छेड़ा ही नहीं है। की करा यार, मेरे तेना हत्ता इच इतनी खुजली हो रही है ना कि मैं दो बारी अपने धोबी ने ना बिना किसी गाल दे पीट देता। एक चाय बना दी बढ़िया सी बड़ी। चाय रहने दे। वाह एक का सोचा मैंने, दो आ रही हैं। मौसा जी कह रहे थे एक लड़की को छेड़ के अगर उसका थप्पड़ खा लूं तो धंधा बढ़िया चलेगा, ये तो दो आ रही हैं, दो के खाऊंगा धंधे में चार चांद लग जाएंगे। अरे सुनती हो, अब मैं क्या कह रही हूँ, अभी आया यार। कैसी हो? हाय आई एम छोटे। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा सलून है उसमें मैंने स्पेशल ऑफर निकाला है अभी कि जो लड़की मुझे अपना दिल दे देगी ना तो उसके लिए फ्री में ब्लीच, फ्री में हेयर कट, फ्री में मसाज, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों में पहले मतलब डिसाइड कर लो कि कौन सी लड़की मुझे मतलब छोटे को अपना दिल देगी। अच्छा हाँ। वैसे आपका ऑफर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम ना आपको दिल के अलावा भी बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी जी क्या हो रही है? ना मैं जी कह रही हूँ कि जी तो बहुत नाइंसाफी मतलब गलत बात है, एक लड़का तुमसे बदतमीजी कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, छेड़ रहा है और कुछ देने की बात कर रही हो।
अरे मैं मेरा सीधा मतलब है कि मुझे सबक सिखा दो, सैंडल से सिखा दो चाहे थप्पड़ से सिखा दो, लेकिन मुझे सबक सिखा दो। ऐसे नहीं, पहले तुसी इत्थे आओ, इत्थे खड़े हो, आ जाओ। अच्छा वहां जाऊं मतलब दोनों? अच्छा इस पे भी तो लगेगी, इस पे भी तो लगेगी, धंधे में चार जान लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ दोनों दोनों मारो। अरे ना ऐसे नहीं, आपको ना आंखें बंद करनी पड़ेगी। नहीं मुझे कोई एतराज ही ना है ना, खुले आंख में मार दो। आंखें बंद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले लाल वाली मारेगी पीली वाली? हाँ अरे 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 ये क्या, क्या लंजू बड़ा बड़ा छेड़ने वाला। अरे मौसा तुम्हारा सत्यानाश हो जाए।